नमस्कार, निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के ऑडियो आर्टिकल में हम राजनीति का अपराधीकरण के विषय पर चर्चा करेंगे। इस आर्टिकल में हम चर्चा करेंगे कि मुद्दा चर्चा में क्यों आ रहा है बार बार, और साथ ही इसका अर्थ क्या है। साथ ही राजनीति में बढ़ता हुआ अपराधीकरण चिंता का विषय क्यों बना हुआ है, समय समय पर इस संबंधित समितियाँ क्या क्या गठित की गई हैं, और इसे निपटने के लिए हमें क्या सुझाव देने चाहिए या अपनाने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। सबसे पहले जान लेते हैं कि राजनीति का अपराधीकरण चर्चा में क्यों है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने के मकसद से चुनाव आयोग को ऐसी रूपरेखा तैयार करने को कहा है, जिससे कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जा सके। भारतीय राजनीति को अपराध मुक्त बनाना, खासकर अपराधियों को संसद और विधानसभा में पहुंचाने से रोकना, पिछले कुछ दशकों से देश के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ सर्वोच्च अदालत की ये पहल सराहनीय एवं उत्साहवर्धक है। आइए अब समझते हैं कि राजनीति अपराधीकरण का अर्थ क्या है। इसका अर्थ सत्ता प्राप्ति के लिए प्रयोग में किए गए गैरकानूनी और असामाजिक तरीकों से है, जो राजनीतिक कार्यशैली के स्वरूप को विकृत करते हैं। जब इस आपराधिक कार्यशैली का इस्तेमाल राजनीतिक माध्यम से किया जाता है, तब अपराध का राजनीतिकरण हो जाता है। आइए अब देखते हैं इस पृष्ठभूमि से जुड़े हुए आंकड़े क्या कहते हैं। भारत के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि राजनीति में अपराधीकरण का बोलबाला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। 17वीं लोकसभा के लिए चुनकर संसद पहुंचने वाले 542 सांसदों में से 233 यानी 43% सांसद दागी छवि के रहे हैं। 2009, 2014 और 2019 के आम चुनाव में जीते आपराधिक मामलों में शामिल सांसदों की संख्या में 44% की बढ़ोतरी हुई है। राज्यों के संदर्भ में तो ये स्थिति और भी भयावह है। बात केवल वर्तमान में चुनावी गहमागहमी में मशगूल दिल्ली विधानसभा की करें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में ही आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की संख्या लगातार बढ़ी है। 2008 के विधानसभा चुनाव में 790 उम्मीदवारों में से 111 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों का खुलासा भी किया था। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल 796 उम्मीदवारों में से 129 प्रत्याशियों और 2015 में 673 कैंडिडेट्स में से 114 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे। हैरान करने वाली बात यह है कि ADR इलेक्शन वॉच की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2013 से लेकर 2018 के दौरान सत्ताधारी आम आदमी पार्टी में आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की संख्या करीब 5 गुना तक बढ़ोतरी इसमें दिखी गई है। आइए अब समझते हैं कि राजनीति में बढ़ते हुए अपराधीकरण के पीछे उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं। भारतीय राजनीति में बाहुबल का प्रभाव दीर्घकाल से राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण तथ्य बना हुआ है। अनेक राजनेताओं द्वारा अपने वोट बैंक में वृद्धि करने के लिए अपराधियों के बाहुबल का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही आपराधिक गतिविधियां विशाल चुनावी खर्च हेतु धन उपलब्ध कराती हैं। मतदाता सामान्यता एक उम्मीदवार के इतिहास, योग्यता तथा उसके विरुद्ध लंबित मामलों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। इसके साथ ही दुर्बल न्यायिक प्रणाली और न्याय की अस्वीकृति भी इसमें एक सहायक कारक रही। जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में इन अपराधी सह राजनेताओं के विरुद्ध हजारों मामले लंबित हैं। इस दुर्बलता के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, जैसे कि राजनीतिक दलों का संस्थानीकरण का अभाव, यानी राजनीतिक दलों की गतिविधियों को विनियमित करने, किसी दल के राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल के रूप में पंजीकरण हेतु मानदंड निर्धारित करने तथा दलों की मान्यता रद्द करने जैसे व्यापक विधानों का अभाव है। इसके अलावा राजनीतिक दलों द्वारा नियमित खातों का निर्माण नहीं करना, यानी राजनीतिक दलों के ऑडिट खाते मुक्त निरीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं है। साथ ही संरचनात्मक और संगठनात्मक सुधार ना होना, अर्थात दलों में आंतरिक लोकतंत्र, नियमित दलीय चुनाव, दलों में कार्यकर्ताओं की भर्ती तथा समाजीकरण, विकास और प्रशिक्षण, अनुसंधान, चिंतन और नीति नियोजन जैसी गतिविधियों का अभाव होना है। आइए अब देखते हैं अपराधीकरण का प्रभाव किस प्रकार देखा जा सकता है। पहला है कानून तोड़ने वालों का विधि निर्माता के रूप में चयनित होना। जैसे कि विभिन्न अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों को संपूर्ण देश के लिए विधि निर्माण का अवसर प्रदान कर दिया जाता है, यह संसद की पवित्रता को भंग करता है। इसके अलावा न्यायिक प्रणाली के प्रति जन विश्वास में कमी, यह स्पष्ट है कि राजनीतिक प्रभुत्व वाले लोग सुनवाई में विलंब, पुनरावृत्त स्थगन प्राप्त करके किसी भी सार्थक प्रगति को रोकने के लिए
विभिन्न अंतरवादी याचिकाएं यानी इंटरलोक्यूटरी पिटीशंस दायर कर अपनी शक्ति का लाभ उठाते हैं। ये न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता को संदेह के दायरे में लाता है। इसके अलावा विकृत लोकतंत्र यानी जहां विधि का शासन अप्रभावी तथा सामाजिक विभाजन अधिक प्रभावी एवं अनियंत्रित है, वहां एक उम्मीदवार की आपराधिक प्रतिष्ठा एक गुण के रूप में स्वीकार की जाती है। ये राजनीति के अपराधीकरण तथा राजनीति में धन और बाहुबल के इस्तेमाल की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देता है। इसके अलावा संसद की कार्य क्षमता का प्रभावित होना यानी ऐसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति संसद की कार्य प्रणाली में बाधा उत्पन्न करते हैं जो कालांतर में संसदीय कार्य क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इसके साथ ही आपराधिक प्रवृत्ति का स्थायीकरण अर्थात चूंकि राजनीतिक दलों द्वारा केवल उम्मीदवारों को जीतने की क्षमता पर अधिक बल दिया जाता है, अतः वह अधिक से अधिक प्रभावशाली तत्वों को दल में शामिल करते हैं। इस प्रकार राजनीति का अपराधीकरण स्थायी बन जाता है और इससे संपूर्ण चुनावी संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और अंत में निजी कल्याण बनाम लोक कल्याण अर्थात कुछ सदस्य अवैध गठजोड़ में संलग्न हो जाते हैं जिससे क्रोनी कैपिटलिज्म का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इस प्रकार संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी कि एमपीलेड्स के लिए दी गई निधि के अपर्याप्त प्रयोग द्वारा लोक कल्याण की उपेक्षा करते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा दिए गए एक आंकड़े के अनुसार 2016-17 में लोकसभा सांसदों के लिए एमपीलेड्स के अंतर्गत अधिकृत 2725 करोड़ रुपए की कुल निधि में से केवल 1620 करोड़ रुपए ही जारी किए गए हैं। आप समझते हैं कि बढ़ता हुआ अपराधीकरण चिंता का विषय क्यों है। भारतीय लोकतंत्र में अपराध और अपराधियों के प्रभाव को कम करने के लिए संविधान में जनप्रतिनिधित्व संबंधी कानून का प्रावधान किया गया था, लेकिन इस कानून में कई सारी खामियां हैं जिसके कारण यह पूरी तरह कारगर नहीं हो पाता है। सन 1951 में बने जनप्रतिनिधि अधिनियम अब लगभग अप्रासंगिक हो गए हैं। दरअसल अपराधियों के चुनाव लड़ने पर कोई रोक ना होने के कारण हत्या, अपहरण, आगजनी, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में संलिप्त लोग भी केवल इस आधार पर चुनाव लड़ने और जीतने में सफल हो जाते हैं कि उनका मामला न्यायालय में लंबित है। न्याय प्रणाली की निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक की न्यायिक प्रक्रिया में अक्सर 20 से 30 वर्ष का समय लग जाता है। इस संदर्भ में राजनीतिक दल सिर्फ यही दलील देते आए हैं कि जब तक कोई आरोपी दोषी करार नहीं दिया जाता उसे अपराधी नहीं माना जा सकता है। राजनीतिक लड़ाई में ईमानदारी, सिद्धांतों और साफ सुथरी कार्यप्रणाली का भी सभी दल दावा करते हैं, लेकिन जब चुनाव जीतने की बात आती है तो हर पार्टी जीतने योग्य व्यक्ति पर नजर रखती है और उसकी पृष्ठभूमि को नजरअंदाज करती है। इस तरह हर दल में भ्रष्ट और अपराधियों की संख्या बढ़ रही है। राजनीति शास्त्र के विद्वान प्लेटो का मानना था कि जिनके पास शक्ति है राजनीति उन्हीं के लिए है। ये कथन अपराधी प्रवृत्ति के राजनीतिज्ञों पर 100% लागू होता है जो अपने बाहुबल और धन के प्रभाव से चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। आइए अब देखते हैं राजनीति के अपराधीकरण पे गठित विभिन्न समितियां कौन कौन सी हैं। पहली है संथानम समिति 1963। इस समिति ने संदर्भित किया कि राजनीतिक भ्रष्टाचार अधिकारियों के भ्रष्टाचार से अधिक हानिकारक है। इसने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सतर्कता आयोग की स्थापना की अनुशंसा की थी। अगला है वोरा समिति 1993। इसने भारत में राजनीति के अपराधीकरण की समस्या और अपराधियों, राजनेताओं तथा नौकरशाहों के मध्य गठजोड़ का अध्ययन किया। हालांकि 25 वर्ष पूर्व प्रस्तुत की गई इस रिपोर्ट को गृह मंत्रालय द्वारा अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। अगला है पुलिस सुधारों पर पद्मनाभ भैया समिति। इस समिति ने पाया कि पुलिस के राजनीतिकरण तथा अपराधीकरण से पृथक नहीं किया जा सकता है। राजनीति के अपराधीकरण ने दंड अभाव की संस्कृति को सृजित और प्रोत्साहित किया है। आइए अब जानते हैं कि राजनीति में अपराधीकरण को दूर करने के लिए सुझाव क्या क्या हो सकते हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का सामाजिक बहिष्करण, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के झूठे घोषणा पत्रों, वादों आदि पर प्रतिबंध, मीडिया व अन्य जनसंचार माध्यमों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को न्यूनतम अथवा न के बराबर कवरेज देना और चुनाव संबंधी कानून में संशोधन कर राजनीति में बढ़ रहे अपराधीकरण को काफी हद तक रोका जा सकता है, लेकिन इस सदप्रयास में भी जनता को ही अहम भूमिका निभानी होगी। साथ ही राजनीति में लगातार
बढ़ रहे अपराधीकरण को रोकने के लिए विभिन्न संगठनों को एकजुट होकर देशव्यापी अभियान चलाना होगा, क्योंकि एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए अपराध मुक्त राजनीति आवश्यक है। 9 अगस्त 2018 को राजनीति के अपराधीकरण के हालात पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने भी कहा था कि संसद की जिम्मेदारी है कि वे राजनीति के अपराधीकरण को रोकने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए। ऐसे में संसद कानून बनाकर यह सुनिश्चित करें कि गंभीर आपराधिक मामलों में फंसे लोग राजनीति में ना आ सके। अपराध में दोषी करार दिए जा चुके राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाना भारतीय राजनीति की स्वच्छ बनाने की दिशा में एक दूरगामी और एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, लेकिन पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इस प्रकार के कठोर प्रावधानों का दुरुपयोग ना हो। यदि आजीवन प्रतिबंध की व्यवस्था लागू की जाती है तो भविष्य में चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह एक निवारक कारक की तरह कार्य करेगा और वे किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने से बचेंगे। संसद और विधानसभाओं में स्वच्छ भूमि वाले उम्मीदवारों का प्रवेश होगा। इससे आम जनता का राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास मजबूत होगा और लोकतंत्र की जड़ें भी मजबूत होंगी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश M.N. वेंकटचेलिया ने तो पहले ही नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अध्यक्षता करते हुए 5 साल से अधिक की सजा की स्थिति में चुनाव लड़ने से रोकने और हत्या, दुष्कर्म, तस्करी जैसे जघन्य मामलों में दोषी ठहराए जाने पर आजीवन प्रतिबंध का सुझाव दिया था। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाले दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग और बाद में विधि आयोग ने भी कई सिफारिशें की हैं। चुनाव आयोग ने भी काफी पहले स्पष्ट कर दिया था कि निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाना ही चुनाव लड़ने से अयोग्य करने को पर्याप्त होगा। इतना सब होने पर भी राजनीतिक दलों के स्तर पर कोई ठोस पहल नहीं की गई है। आइए अब देखते हैं आज के आर्टिकल से जुड़ा हुआ UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न क्या है। राजनीति के अपराधीकरण तथा अपराधियों के राजनीतिकरण से आप क्या समझते हैं? आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं कि जब तक सभी राजनीतिक दलों के नेता एक मत नहीं हो तो क्या राजनीति के अपराधीकरण की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है? साथ ही राजनीति में अपराधीकरण को दूर करने के उपाय सुझाइए। इसका उत्तर आपको 250 शब्दों के अंतर्गत देना होगा। आइए अब देखते हैं UPSC से जुड़ा हुआ प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न क्या हो सकता है। निम्न में से कौन सी समितियां राजनीतिक और चुनाव सुधार से संबंधित है? पहली वेंकटचेलिया समिति, दूसरी संथानम समिति, तीसरी दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग और चौथी वोरा समिति। आपको दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन का चयन करना है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिएगा। हमें उम्मीद है आज का यह आर्टिकल आपके लिए काफी सहायक सिद्ध होगा। निर्माण IAS के YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।